Assalamu alaikum wa barakatuh. How are you, ma'am? Alhamdulillah, I'm fine. How are you all? We are तीन महीने के सरमाए तातलात खत्म होने के बाद आज से दोबारा स्कूल जो है खोले गए हैं। स्कूल में जो है काफ़ी ज़्यादा जोश खरोश देखने को मिल रहा है और बच्चे भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। करते कुछ बच्चों के साथ बात और जानते उनके तासरात। अपना नाम बताएं। बरीरा मुस्तफ़ा। तो आज तीन महीने के बाद दोबारा स्कूल आए आप, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब ये नया साल है, तो अब स्कूल आए हम बहुत टाइम 3 मंथ्स के बाद, तो अब ये नया स्टार्ट होने वाला है, पूरा नया हम स्टार्ट करेंगे। और स्कूल, अब घर में कितना भी पढ़ लो, स्कूल वाली फीलिंग आपको नहीं आती। वो स्कूल बस में आना, यूनिफॉर्म पहनना, फिर क्लासरूम में पढ़ना, वो अलग ही फीलिंग होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज सुबह से कितने एक्साइटमेंट थी आपको, आज स्कूल जाना है, क्या सोचा था आपने, क्या कुछ एक ऐसी सोच थी कि आप स्कूल आओगी, बच्चों से मिलोगी या अपने फ्रेंड्स से मिलोगी? हाँ, इनफैक्ट कल रात से ही बहुत एक्साइटमेंट थी कि अब कल हम यूनिफॉर्म पहनेंगे, बस आएगी सुबह सुबह, हम स्कूल जाएंगे, अब टीचर से मिलेंगे, अब नया स्टार्ट होगा, नए सिरे से सब स्टार्ट होगा, अच्छे से नया साल है, तो बहुत एक्साइटमेंट थी। और बताइए अपना नाम? ताहा जान। तो 3 महीने के बाद स्कूल आना एक बार, और सुबह जब आप उठी तो क्या सोचा था? मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी, मतलब स्कूल आना है, फ्रेंड के साथ मिलना है, अब बातें करेंगे, पढ़ाई करेंगे, टीचर्स के साथ मिलेंगे, बहुत एक्साइटेड थी मैं। किसको ज़्यादा आप मिस कर रही थी इन दिन? फ्रेंड्स को कर रही थी मिस और टीचर्स को मिस कर रही थी। तो क्या कुछ कोई खास वजह कि आप इनको मिस कर रही थी, क्या स्कूल में ऐसी कोई खास वजह होती है कि जो आप ज़्यादा मिस कर रही थी? फ्रेंड्स के साथ तो एंजॉय करते हैं, टीचर्स की बात, मतलब टीचर्स बहुत स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, बट वैसे ना मतलब घर पे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ पाते हैं वैसे, तो मतलब स्कूल में टीचर्स की वो मतलब पढ़ाना, एक्टिविटीज़ कराती हैं वो बहुत सारी, उससे बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। क्या मैसेज देगी आपको सारा? तो आज 3 महीनों के बाद स्कूल फिर से खोले गए, तो कितनी एक्साइटमेंट है आपको आज सुबह से? जी, मैं बहुत एक्साइटेड थी स्कूल के लिए एंड मैं बहुत खुश हो गई आज। जब फ्रेंड्स या टीचर्स से मिले? जी। तो क्या कुछ सोच में था आज सुबह से ही जब आपने सोचा कि आज स्कूल जाना है? अब फ्रेंड्स से मिलना है, टीचर्स से मिलना है, इस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। कितना मिस करते स्कूल? बहुत ज़्यादा। स्कूल में मज़ा आता है घर से? बहुत ज़्यादा, बहुत इंजॉय करते हैं स्कूल में। अपना नाम बताएं। मदीहा। रिया, आज 3 महीनों के बाद स्कूल आज आ पाई हो, तो कितनी एक्साइटमेंट थी सुबह से ही आज? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, मैंने बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस किया एंड वेकेशंस बहुत ज़्यादा बोरिंग थी क्योंकि हम लोग घर पे थे, तो बस। स्कूल में मज़ा आता है? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड आई ऑलवेज मिस माई टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स। क्या खास चीज़ आपको मिस कर रही थी स्कूल की? आई एम मिस स्कूल प्रेयर इन द मॉर्निंग। हमारे स्कूल्स, चूँकि हम जानते हैं कि 3 महीने तक यहाँ विंटर वेकेशन थी, तो आज से जो वादी के तमाम जो स्कूल्स है आज से खुल गए, आज से विंटर वेकेशन के बाद, काफ़ी अर्से के बाद स्कूल जब खुल गए, तो नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है स्कूलों की, वो आज से इंशाल्लाह शुरू हो रही है, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। हम भी बहुत मिस कर रहे थे अपने बच्चों को, क्योंकि ये जो स्कूल होता है ये एक फैमिली होती है, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ये हमारे अपने बच्चे होते हैं, तो इन बच्चों को हम बहुत मिस करते हैं, चाहे समर वेकेशन हो चाहे विंटर वेकेशन हो। तो माशाल्लाह बहुत खुशी है आज के सारे बच्चे माशाल्लाह हमारे स्कूल आज पहुंच गए हैं।